मेंटल एंड इमोशनल इकट्ठा होता है। सो फिजिकल में शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शरीर के सारे सिस्टम, शरीर में कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? 11 सिस्टम। डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेशन श्वास की प्रक्रिया चल रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर 11 सिस्टम है। आप लोग पढ़ रहे होंगे अपनी पढ़ाई में, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे ये चीज। ये सारे सिस्टम्स के काम करने की शक्ति को कि जब काम ठीक तरह से चले, खाना खाने के बाद ठीक तरह से खाना पचे, नींद मुझे पूरी तरह से आए, मेरे को मेरी फिर जो काम करने के बाद थोड़ा सा काम करूँ, मैं थकूँ नहीं, ये हमारे साइन है, ये हमारे साइन है। बिना कोई दवाई दिए हुए, बिना चाय कॉफ़ी पिए हुए मेरा मॉर्निंग में पेट साफ होता है। अगर हमारा शरीर इन चीज़ों पर डिपेंड हो गया कि चाय कॉफ़ी पीने के बाद ही या कोई चीज़ खाने के त्रिफला लेने के बाद ही मुझे मोशन होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आजकल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। ये हमारे सिम्टम है, ये लक्षण है कि शारीरिक लेवल पर मैं तंदुरुस्त हूँ या नहीं, मेरे शरीर की एनर्जी कैसी है, मेरा काम करने की कैपेसिटी क्षमता कैसी है, और मेरा शारीरिक तंदुरुस्ती से मैं शरीर से मैं जब स्कूल आता हूँ तो मैं सारा पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। मानसिक शक्ति के मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जहाँ पर मैं बात बात पे मेरा एजुकेशन नहीं होता है, मैं इमोशनली मैं स्टेबल रहता हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग छोटे हैं, शायद कुछ शब्द आपके लिए, क्योंकि आपने अभी वो अनुभव नहीं किए, आपका जीवन अभी बहुत चुलबुला जीवन है, आपका ऐसा ही जीवन होना चाहिए। आप अभी से अगर धीरे से बड़े बैठे बैठे ऐसे बैठोगे, उसी तरह की आपकी सोच भी धीरे धीरे ढीली हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसे एक्टिव स्मार्ट बैठोगे और किसी चीज़ को रिसीव करोगे, जब कोई बात की जा रही है तो आप जब ये सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आप टीचर के साथ भी अगर आई कॉन्टैक्ट में बैठ कर के बात करोगे, जब कोई बात एक्सप्लेन की जाती है आपको, तो आपके टीचर का आप सामने उनको रिसीव कर रहे हो। जब से ही हम सीधा बैठते हैं आप देखोगे कि जो सामने बोला जा रहा है वो हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है। जो हम अटेंटिव होकर कॉन्शियस होकर देखो, जो काम आप ध्यान से करते हो उसको आप आसानी से कर सकते हो, जो बिना ध्यान के करते हो उसको आप घंटों भी लगाते हो, महीनों भी लगाते हो, तो आप सीख नहीं सकते। आप देख रहे कई बार कोई चीज़ आपको विद इन मिनट के अंदर, एक मिनट, दस मिनट के अंदर सब चीज़ें याद हो जाती है। कभी 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 महीना भर एक चीज़ को आप याद करते रहते हो लेकिन आप याद नहीं हो। इसका मतलब है उस वक्त मेरी मेंटल जो कंडीशन है उस वक्त उस चीज़ के साथ नहीं है। मैं पढ़ तो जरूर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मैं फिजिकली जरूर हूँ, मैं स्कूल में बैठा हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। दूसरी है सोशल हेल्थ, यानी कि हमारा आपस में समाज में, आप स्कूल में आते हो टीचर के साथ, आपस में फ्रेंड्स के साथ, आपके मन में कोई, आपके एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप सामाजिक स्तर पर भी स्वस्थ हैं। अगर आपकी बात बात में लोगों से लड़ाई होती है, बात बात में लोग आपको गाली दे देते हैं, या लोग या आप लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो, आप अगर बार बार लोगों के साथ इस प्रकार का इंटरेक्शन आपका है कि आप अगर स्कूल में नहीं आते तो किसी किसी लोगों को लगता है अच्छा हुआ नहीं आया आज। होना ये चाहिए कि जिस दिन आप ना आओ उस दिन लोग कहें मैं उस व्यक्ति को मिस कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? पवन। ओके, मान लीजिए पवन है, आप पवन स्कूल में नहीं आया, कुछ आपस से लोग अगर मेरा लोगों से अच्छा रिलेशन नहीं होगा, आप पसंद नहीं करते होंगे तो आप कहोगे अच्छा हुआ नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे